मात्र आज 9 तारीख हो गई है, 19 तारीख को चुनाव होना है, बस ये मात्र 8 दिन है। आप लोगों को कोई ऐसी कोई बात नहीं करनी है भाईचारा बनाकर, क्योंकि मैं निकरा हसन को 36 बिरादरों का साथ मिल रहा है। आप भाईचारा बनाकर एक से बढ़कर एक इतनी वोट डालने का काम करें, जो विपक्ष के लोग हमारे होंगे वो आज सत्ता में है, कुछ दिन बाद वो विपक्ष में होंगे, सत्ता में इकरा बहन बैठने का काम करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष संदीप सैनी जी का बहुत बहुत। और आज इस सालापुर गांव की पावन धरा पर, जहां पर ये एक ऐसा गांव है, मैं अपनी प्रत्याशी महोदया से बताना चाहता हूं कि ये इस विधानसभा इस लोकसभा का एकमात्र ऐसा गांव है कि ये खिलाड़ियों का गांव भी कहा जाता है। बहुत खिलाड़ी निकले इस गांव से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेशनल रिकॉर्ड और अनेक खेलों के खिलाड़ी निकले। अब मैं इसी कड़ी में अपने दूसरे भाई चौधरी अमित श्योपुर को अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आए और अपना सूक्ष्म शब्दों में एक छोटा सा संबोधन करें। अमित श्योपुर। बहुत धन्यवाद। और हालांकि इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रत्याशी हैं बहन इकरा मुनव्वर हसन, आप सब लोग उनको सुनने के लिए आए, लेकिन बहन जी मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आपसे पहले यहाँ कोई भी नहीं था, तो एक हमारे शर्मा जी इतना शानदार बोल के गए हैं, उन्होंने तमाम चीजें गांधी से लेकर नेहरू तक, मोदी से लेकर तमाम चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और उससे पहले एक हमारे गायक महोदय निर्मल सिंह जी लगे हुए थे, उन्होंने यहाँ बांधे रक्षा का काम किया। जो हमारे लोग यहाँ है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगा। और मैं हमारी प्रत्याशी जो यहाँ पहुंची है, ये जो गांव है सालापुर, ये वास्तव में बहुत इस विधानसभा का मैं समझता हूँ सबसे मजबूत गांव है। और जब इस गांव में इतना तगड़ा स्वागत होने का काम हुआ है, तो निश्चित रूप से बहन जी मैं आपके कार्यक्रम में पंचकुआ में गया था, तो वहाँ अनुज भाई बता रहे थे कि वो हमारे भांजे ने कार्यक्रम कराया था, तो उस कार्यक्रम से भी बड़ा कार्यक्रम इनके मामा ने करने का काम किया, तो तमाम सालापुर के लोग पढ़ाई के पात्र हैं। और एक बात मैं कहूंगा बहन जी, मेरा जो गांव है वो उत्तराखंड के पास है, और उत्तराखंड में हमारा आना जाना है, तो अगर सबसे ज्यादा चर्चा, अगर सबसे ज्यादा बात किसी की हो रही है, तो वो इकरा मुनव्वर हसन के चुनाव की होगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी के बाद अगर इस चुनाव में किसी की चर्चा है, तो इकरा मुनव्वर हसन की है। तो सब लोग इकट्ठे होकर के 19 तारीख में मतदान करने का काम करेंगे। और एक शायर सी मैं लिख कर रहा था, एक मिनट का समय हो तो मैं कहूँ, हाँ वो ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा सही, एक बात मैं कहूंगा कि मोदी जी के लिए है कि भंवर जब भी डुबोएगा, भंवर जब भी डुबोएगा सहारा दे के मारेगा। और सुन लो मछलियों, और मछलियां हम सब हैं, और सुन लो मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है, तुमको सहारा दे के मारेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित।